मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑल इन वन विथ रश्मि में। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके साथ में रवा ट्राइकलर ढोकला की रेसिपी शेयर करना चाहूंगी, जो कि खाने में जितना ज्यादा स्वादिष्ट है बनाने में उतना ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रवा ढोकला रेसिपी। तो सबसे पहले हम तिरंगा ढोकला बनाने के लिए लगने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने रवा लिया हुआ है, उसके बाद में ये इनो फ्रूट सॉल्ट, नमक और ये साधा दही या खट्टा दही ले सकते हैं या दोनों को मिक्स करके ले सकते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर है। उसके बाद में यहाँ पर हरा धनिया और एक हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने मिक्सर में से निकाल लिया है और यहाँ पर टमाटर का पेस्ट मैंने मिक्सर से निकाल लिया है, थोड़ा सा किसा हुआ अदरक और ढोकले पर तड़का लगाने के लिए मीठी नीम के पत्ते, 2 से 4 हरी मिर्ची और हरा बारीक कटा हुआ धनिया। उसके बाद में ढोकला बेक करने के लिए यहाँ पर एक पिन लिया हुआ है। तो सबसे पहले इस कटोरी के माप से मैंने 2 कटोरी रवा इस बाउल में ले लिया है। उसके बाद में 2 कटोरी रवा के लिए दही हम 1.25 कटोरी तक ले सकते हैं और इसको हम इस बाउल में ऐड कर देंगे। उसके बाद में ये ग्रेटेड अदरक डाल देंगे। और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और दही ऐड कर रही हूं मैं, लगभग 1.5 कटोरी के लगभग यहाँ पर दही लग चुका है 2 कटोरी रवा के लिए। तो ढोकले का बैटर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। रवा जो है ये बहुत ज़्यादा दही को एब्जॉर्ब करता है, तो इसको अब हम 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट तक के सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक कि बैटर फूल रहा है हम इस पैन में थोड़ा ऑयल डालकर इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। इधर गैस पर हम कुकर में पानी डाल देंगे और उसमें एक स्टैंड रखकर गैस को ऑन कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और सूजी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के लगभग तेल डाल देंगे जिससे कि हमारा ढोकला बहुत अच्छा सॉफ्ट बनकर रेडी होगा और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स हम ट्राइकलर ढोकला बना रहे हैं इसलिए अब हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट रहेगा ग्रीन कलर के लिए, एक पार्ट रहेगा ऑरेंज कलर के लिए और एक रहेगा व्हाइट के लिए। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर बनाएंगे। ग्रीन कलर बनाने के लिए इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे और डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इनो डालेंगे और इसको एक्टिवेट करने के लिए इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। इनो डालने के बाद हमें इसे ज्यादा मिक्स नहीं करना है, बस हल्के हाथों से थोड़ा सा ही फेंटना है। और अब हम इसे इस टिन में डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से टैप कर लेंगे। और इधर कुकर में पानी गर्म हो चुका है तो अब हम इस डब्बे को कुकर में रख देंगे और कुकर के ढक्कन की सीटी निकालकर इसको बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम को बढ़ा देंगे। ग्रीन कलर के ढोकले को पकने के लिए 5 मिनट का समय लगेगा, तब तक के हम ऑरेंज कलर का प्रिपरेशन कर लेते हैं।
तो इसके लिए फिर से ये जो मैंने टमाटो प्यूरी बनाया था इसको इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें गाजर और टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी गाजर अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इसमें टमाटर का ही पेस्ट बनाकर ऐड किया है। तो इसमें टमाटर का पेस्ट अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। इसमें अगेन हम हाफ स्पून इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे और इसको एक्टिवेट करने के लिए इसमें एक चम्मच पानी डाल देंगे और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा स्पीड से हमें मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। ग्रीन कलर के बाद हमें व्हाइट कलर की लेयर देना है। ये व्हाइट कलर थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है और इसमें आधा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट डालकर इसको एक्टिवेट करने के लिए फिर से इसके ऊपर एक चम्मच पानी डाल के इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अगर 5 मिनट हो चुके हैं, ग्रीन लेयर हमारी पककर तैयार है। गैस की आंच हम धीमी कर देंगे और इसके ऊपर ही हम व्हाइट कलर अब डाल देंगे। कुकर में ही हल्का सा टैप कर देंगे, ढक्कन को लगाकर इसको फिर से फुल फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इधर 5 मिनट हो चुके हैं और सफेद वाली लेयर हमारी बनकर तैयार है। तो कुकर खोल लेंगे हम और इस पर ऑरेंज लेयर को अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे और फिर से थोड़ा सा इसको कुकर में ही टैप कर लेंगे। कुकर को बंद करके गैस की फ्लेम को बढ़ा देंगे और 10 मिनट के लिए अब हम कुकर को होने देंगे। ढोकले पर तड़का बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा तेल लिया है, इसको गर्म होने देंगे। हम इसमें एक छोटा चम्मच राई डालेंगे और एक छोटा चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे। उसके बाद में कड़ी पत्ता डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और ढोकला हमारा बनकर एकदम तैयार हो चुका है। हम विद द हेल्प ऑफ टूथपिक देख सकते हैं कि ढोकला अच्छे से पका है या नहीं। देखिए टूथपिक एकदम अच्छे तरीके से निकल रही है। तो ढोकला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल कर 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों ढोकला ठंडा हो चुका है। अब हम चाकू को इस ढोकले के पूरे राउंड में अच्छी तरीके से घुमा लेंगे ताकि ढोकला इस टिन में से इजीली बाहर निकल जाए। अब हम इस टिन को एक प्लेट पर उल्टा कर देंगे और हल्के हाथों से टैप करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा तिरंगा ढोकला बनकर तैयार है। अब हम इस पर तड़का डाल देंगे। तड़के को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे ढोकले पर। देखिए दोस्तों ये तिरंगा ढोकला बनकर तैयार है और बहुत ही अच्छा स्पंज वाला बना हुआ है। देखिए इसकी एक एक लेयर बहुत अच्छे से पकी हुई है और बहुत अच्छा स्पंज आया हुआ है इसमें। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और ये तिरंगा ढोकला की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप भी इसे जरूर बनाकर देखिए और आपके व्यूज मेरे साथ शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।